हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस चैप्टर 13 क्लास 12th का। ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। अमाइंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं किसके, अमोनिया के। जो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। पहले देखते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एन पे क्या आता है, एक लोन पेयर। इसकी ज्योमेट्री सबसे पहले देखते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या देखते हैं, ज्योमेट्री देखेंगे, फिर देखेंगे इसका शेप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तीन सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, एक लोन पेयर है। आपको पता होगा दो एलिमेंट के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा 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 होते हैं सारे बॉन्ड ये। अच्छा, इस पे एक लोन पेयर है तो इसमें टोटल हो गए कितने, चार सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर हो गए चार। जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन दो आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन आता है 3, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ऐसे ही अगर इसका कॉम्बिनेशन आता है क्या, 4, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। इसमें आप देख रहे हैं 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री होती है क्या, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और इसका जो शेप होगा वो होगा क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका क्या होगा, शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप होगा। अमाइंस जो बेसिकली होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका एलिफेटिक अमाइंस, सेकंड होता है आपका एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस में आपका एक एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन नाम है उसका, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगता है तो उसे बोलते हैं क्या, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। पहले अमाइंस को डिवाइड कर देते हैं, फिर इसकी IUPAC करेंगे। एलिफैटिक एंड दिस इज एरोमैटिक। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, हालांकि ये भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। पहले कैटेगरी कौन सी है इसकी, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी जिसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी अमाइन जिसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। लास्ट होता है आपका टर्शरी अमाइन, क्या होता है, टर्शरी अमाइन जिसको हम बोलते हैं क्या, 3 डिग्री। बेसिकली आप चेक करेंगे तो इसका एक और निकलता है, उसे बोलते हैं क्वार्टरनरी अमाइन जिसको हम बोलते हैं 4 डिग्री। लेकिन जो चौथा बॉन्ड बनता है वो होता है हमेशा कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये बनते हैं तीनों किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। ये आप पढ़ेंगे आगे, और आपका स्टार्ट करते हैं इसमें अब एरोमेटिक अमाइंस के अंदर। तो एरोमेटिक अमाइंस के अंदर होते हैं क्या, बेंजीन डायरेक्ट अटैच्ड होता है किससे, NH2 से। इसका नाम है क्या, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। ऐसे ही अगर एक H और हटा के इस बेंजीन लगा दें तो वो सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन होगा, एक और H हटा के एक और बेंजीन लगा दें तो वो टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस होगा। तो ये आपको कैटेगराइज कर रहा है कि भाई अमाइंस एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, एलिफैटिक में कितनी तरीके के होते हैं, ऐसे ही आपके एरोमेटिक के अंदर कितने तरीके के होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी और क्वार्टरनरी हम एक ही एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। खैर वो देखिए,
एन के पास तीन बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो है ही उस पर, यहां भी ऐसे ही बना देते हैं, यहां भी ऐसे ही बना देते हैं। प्राइमरी अमीन में अगर तीन वैलेंसी में एक वैलेंसी कार्बन की हो और बाकी क्या हो एच, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन तीन वैलेंसीज में दो वैलेंसी आर की होगी, उसे बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन में तीनों के तीनों क्या होंगे, कार्बन की चेन होगी, तो उसे बोलेंगे टर्शियरी अमीन। क्या बोलेंगे, टर्शियरी अमीन। इसकी बेसिसिटी हम आपकी आगे आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बस हम इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके लो से लेके बिल्कुल हाई तक जाएंगे। कहां से, लो से लेके हाई तक जाएंगे, और आप इजिली इसकी आईयूपीएसी एनसीईआरटी में जहां भी है सारी इसकी आईयूपीएसी इसको कर देंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, CH3CH2। सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी एल्काइल अमाइंस के नाम करवाऊंगा, उसके बाद आप हल्का सा आगे बढ़ के सेकेंडरी के भी कर सकते हैं, फिर टर्शियरी के भी कर देंगे। बहुत इजी लॉजिक है इसके, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो देखिए CH3NH2, ये है आपका क्या, एक कार्बन का, ये है आपका अमाइन, तो इसे बोलते हैं मिथेन अमाइन। क्या बोलेंगे इसे, मिथेन अमाइन। मिथेन, मिथेन का ई हट जाएगा और ये आ जाएगा अमाइन, मिथेन अमाइन, क्योंकि दो वॉवेल्स कभी एक साथ नहीं होंगे, मिथेन का ई हटेगा और ये ए आ जाता है, मिथाइन, मिथेन अमाइन। क्या होगा, मिथेन अमाइन। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे CH3CH2NH2 है आपके पास, दिस इज इथेन अमाइन, क्या इथेन अमाइन, CH3CH2CH2NH2 है, तो ये होगा आपका क्या, प्रोपेन अमाइन। क्या होगा, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे CH3CH2CH2CH2CH2NH2 लगा है, तो इसे बोलेंगे पहले कार्बन पे लगाए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस जगह से लगाए, तो इसे बोलेंगे पेंटेन अमाइन। क्या बोलेंगे, पेंटेन अमाइन। अच्छा एक और चीज है, पेंटेन अमाइन की जगह इसको आप कह सकते हैं पेंटेन वन अमाइन भी, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे लगाए, पेंटेन वन अमाइन। क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन वन अमाइन। क्या बोलेंगे, पेंटेन वन अमाइन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, NH2 इस जगह पे लगाए, तो NH2 किस साइड से पास में है, इस साइड से, और ये कितने कार्बन की चेन है, पांच की, तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन टू अमाइन। क्या होगा, पेंटेन टू अमाइन। ये आपके प्राइमरी अमाइन से सारे के सारे आप देख रहे हैं, जिस NH2 पे, N पे बस एक साइड से ही कार्बन की चेन है, देख रहे हैं, एक साइड से ही है, एक साइड से ही है, एक साइड से ही है, और ये भी एक साइड से है, और ये भी एक साइड से है, तो ये क्या है, सारे के सारे प्राइमरी एल्काइल अमाइन। और इनके नाम बहुत इजी है, आपको नंबर ऑफ कार्बन के बाद अमाइन ऐड करना है, और ये भी चेक करना है कि अमाइन कौन सी पोजीशन पे लगा है। जैसे ये पहले पे लगा है, तो इसे मिथेन अमाइन या मिथेन वन अमाइन, दिस इज इथेन वन अमाइन, दिस इज प्रोपेन वन अमाइन, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम सेकेंडरी अमाइन पे, उसके किस तरीके से हम नाम करेंगे। सेकेंडरी अमाइंस की आईयूपीएसी देखो, सेकेंडरी अमाइंस की आपको पता है कि नाइट्रोजन की दो साइड में अगर कार्बन की चेन्स लगी हो तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। जैसे सपोज है हमारे पास NH, ये हो गया CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3, CH3 है। अब इसका किस तरीके से करेंगे, आप देखिए कि जो आपके कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन लगे हुए हैं, उनमें लंबी चेन किसकी है, लंबी चेन दोनों बराबर की है भाई, इसको ले लो या फिर ये वाली ले लो, ये कार्बन चेन एक कार्बन की ही है, ये वाली भी या फिर ये वाली। सपोज मैं कहता हूं भाई ये वाली मैं लंबी चेन ले लेता हूं, कौन सी, इतनी वाली लंबी चेन ले लेता हूं, तो ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, और ये किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन से, तो इसको आप प्रीफिक्स के तौर पे कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल। क्या लिखेंगे, एन मिथाइल।
एन मिथाइल, इस तरीके इसको डिनोट करेंगे, एन मिथाइल हो जाएगा, ये प्रीफिक्स हो गया, इसका काम खत्म यहां पे। अब ये है आपका क्या, मिथेन अमाइन, एन मिथाइल मिथेन अमाइन, एन मिथाइल मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन, एन मिथाइल मिथेन अमाइन। अच्छा देखिए दूसरा, जैसे सपोज है ये सी एस थ्री, ये है, इसमें लंबी चेन किसकी है, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये प्रीफिक्स, और एक कार्बन का प्रीफिक्स है, लंबी चेन है ना, तो लंबी चेन आपकी सफिक्स में आएगी, ये आएगी प्रीफिक्स में। तो ये किससे लगा है, नाइट्रोजन से, तो आपको शो करना पड़ेगा ये नाइट्रोजन से है, अटैच है, तो कैसे शो करेंगे, एन मिथाइल करके, एन मिथाइल और तीन कार्बन का है और नाइट्रोजन NH2 लगा है इस पे, N लगा है सॉरी, तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए देखिए एक और सी एस थ्री, लंबी चेन कितने की है, मतलब ये पूरा काउंट होगा इसके अंदर, चार कार्बन की है वैसे, लेकिन ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, तो ये बन जाएगा लास्ट में आपका ब्यूटेन अमाइन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन अमाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। और ये है आपका एन इथाइल, क्या है, एन इथाइल, एन इथाइल ब्यूटेन अमाइन, एन इथाइल ब्यूटेन अमाइन। एक और देखते हैं, एरोमेटिक डाल देते हैं इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन एनिलीन हो गया है और ये छह कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एन इथाइल एनिलीन, एन इथाइल एनिलीन, एनिलीन, एन इथाइल, दिस इज एन इथाइल एनिलीन। अब आते हैं टर्शियरी पे, सपोज करते हैं हम टर्शियरी की बात कर रहे हैं, अब टर्शियरी अमाइंस, दिस इज टर्शियरी अमाइंस, सी एस थ्री, एन सी एस थ्री, सी एस थ्री, ये टर्शियरी है भाई, तीनों साइड से यहां पे कार्बन लगे हैं और नाइट्रोजन पे, हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा इसमें, हर नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, लंबी चेन इसमें भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो एक कोई सी भी सपोज मैं इसको ले लेता हूं लंबी चेन, ये वाली, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, और ये एक ही तरीके का है, मिथाइल मिथाइल है, तो इसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज नहीं कर सकते, तो दोनों को अलग अलग एन से शो करिए, मतलब एन कॉमा एन, जैसे आप उसकी पोजिशन वहां पे लोकेट कर रहे थे, यहां पे इसको एन कॉमा एन डाल के डाई मिथाइल डालिए, क्या डालिए, डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका मिथेन, मिथेन अमाइन, एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। सपोज है हमारे पास सी एस थ्री, सी एस टू, सी एच टू एन सी एस थ्री, एंड दिस इज ऑल्सो सी एस थ्री, तो आप यहां पे तो प्रिडिक्ट करना कि भाई लंबी चेन कौन सी है, वो आपको दिख ही रहा है तीन कार्बन की होगी, तो ये आपका प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, दोनों एक जैसे ही है, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है ये, लंबी चेन तीन कार्बन की, ये आपका मिथाइल, ये इथाइल, अब ये होता है स्टार्ट M से, ये होता है E से, तो E वाला पहले आएगा, तो ये N इथाइल वाला हो जाएगा, N इथाइल वाला पहले, फिर N मिथाइल हो जाएगा, डाइवर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों प्रीफिक्स अलग अलग है, और ये लास्ट में हो जाएगा ब्यूटेन अमाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। एक और देखते हैं, ये सी एस थ्री हो गया, सी एस टू हो गया, एन एच हो गया, सॉरी ये एच नहीं है, ये हो गया सी एस टू, ये भी सी एस टू हो गया, ये हो जाएगा आपका सी एस टू,
CH2 एंड ये हो गया CH3। तो लंबी चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, और ये क्या हो गए आपके प्रीफिक्स के तौर पे हो गए। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे N, N, क्योंकि दोनों प्रीफिक्स सेम है, इथाइल और इथाइल है, तो N, N, डाई इथाइल ये होगा प्रोपेन अमाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा ये, दिस इज प्रोपेन अमाइन, क्या हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, ये इसकी टर्शियरी की आईयूपीएसी होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एनिलीन के पास, एरोमेटिक अमाइंस की भी नेमिंग कर लेते हैं। बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की, एरोमेटिक अमाइंस की, दिस इज एरोमेटिक अमाइन। आपको पता है कि दिस इज एनिलीन और ये एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। क्या नाम है इसका, एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन, क्या नाम है, एनिलीन। इसका आईयूपीएसी क्या है, वैसे कॉमन नेम या आप बोल सकते हैं उसको आईयूपीएसी भी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूं NH CH3, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको डाल दिया था उसके अंदर ही, तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, क्या ये वाला पोर्शन एनिलीन हो गया और ये लगा है एन पे, एन मिथाइल एनिलीन, क्या हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, क्या हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। सपोज मैं करता हूं कि भाई मेरे पास है N CH2 CH3 है, दिस इज CH3, इसका यूपीएससी क्या होगा, तो ये तो लंबी चेन होगी आपकी एनिलीन की पूरी, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, इथाइल पहले लगेगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, N इथाइल N मिथाइल एनिलीन एनिलीन। और देखिए आगे, सपोज मैं कहता हूं भाई कि NH2 ये एनिलीन है और इस जगह पे Cl लगा है, इस जगह पे भी Cl लगा है, तो ये वाला पोर्शन इन दोनों को जब छुपा दूंगा तो ये वाला पोर्शन एनिलीन हो गया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, तो सेकंड और थर्ड पे Cl लगा है, तो 2.3 डाई क्लोरो और ये हो जाएगा क्या, एनिलीन, क्या हो जाएगा एनिलीन, क्या हो जाएगा एनिलीन। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है NH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका ये H हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका सपोज CH3 और ये फिर से आपका बेंजीन है, तो ये वाला पोर्शन तो आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया है, लोन पेयर तो हर पे होंगे ही। अच्छा, ये हो गया आपका N, N, क्योंकि सेम आपके प्रीफिक्स हैं, N, N, डाइमिथाइल एनिलीन, ये इसका आईयूपीएसी होगा। तो आई होप आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक अमाइंस का और एलिफेटिक अमाइंस का क्लियर होगा। इन क्वेश्चंस को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको नाम याद करने में आसानी होगी और आप चीजों को इजिली आगे भी डिलीवर कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए ये आईयूपीएसी ये यहीं खत्म करते हैं, टेक केयर।